जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? हैं? कितने दयालु हैं? इसलिए भगवान परम दयालु हैं, उनके जैसा दयावान संसार में कोई नहीं है। ऐसे इसलिए ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। भगवान से रिश्ता बनाओ। भगवान से रिश्ता बनाने से बहुत फायदे हैं। रिश्ते बनाओ। ये संसार के लोग दयालु नहीं हैं, ये संसारिक लोग स्वार्थी हैं। सांसारिक लोग कैसे हैं? जोर से, स्वार्थी। भगवान कैसे हैं? परम दयालु। दयालु हैं भगवान, इसलिए भगवान की शरण में रहो। और हम आपसे एक बात कह दें, किसी से कुछ मत मांगो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। काम करो, मेहनत करो, भगवान का विश्वास रखो। देना होगा तो भगवान देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। जरूरत से ज्यादा जो आप लोगों की इच्छाएं हैं, ये आपको बहुत सताती हैं। आप चाहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। नहीं मिलता साहब, वही मिलता है जो आपके भाग्य में है। इसलिए जो मिलना होगा, कर्म करते रहो, प्रयास करते रहो, काम करो, मेहनत करो। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर। कर्म करने के बाद भी क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, ये आप डिसाइड नहीं करते, ये भगवान डिसाइड करते हैं। आप बढ़िया सा बढ़िया पढ़ने के बाद एग्जाम दे दो, परिणाम क्या आएगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। पढ़ना आपके हाथ में है, अब उस पढ़ाई के नंबर कितने आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में है, कितनी चीजें भगवान के हाथ में है जरा बताओ, कितनी चीजें भगवान के हाथ में है। मैया, कितनी चीजें भगवान के हाथ में है, उत्तर दो आप बताओ। पीछे वाले भक्त बताओ, कितनी चीजें भगवान के हाथ में है? हाँ, कितनी? छह चीजें भगवान के हाथ में है, सातवीं कोई चीज भगवान के हाथ में नहीं है, छह चीज ईश्वर के हाथ में है। फिर तो ये संसार सब भगवान का है, लेकिन छह चीजें ईश्वर के अधीन है। कौन कौन सी गिनो? हानि, लाभ, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। आप मेहनत करो, काम करो, हानि और लाभ ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कर्म। कर्म कर तू। हानि और लाभ किसके हाथ में है? जोर से। इसलिए तुम्हारा काम है, काम मैं अपना काम करता हूं बस, उसका लाभ कितना हानि कितनी वो मेरे हाथ में नहीं। हानि लाभ, जीवन मरण, मैं कब जन्म लूंगा और कब मरूंगा, ये भगवान के हाथ में। मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? भगवान के। इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता जब तक ईश्वर की परमिशन नहीं है, और कोई बचा नहीं सकता यदि ईश्वर की आज्ञा है तो। इसलिए मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। जब मरना होगा तो मर ही जाएंगे, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर में लिखा, मुकद्दर में
मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए आंसू बहाने से लाभ नहीं, जो होना है ना आप रोक सकते हैं। दशरथ जी राम के वनवास को रोक सके क्या? राम तो खुद भगवान थे, भगवान है, क्या राम स्वयं अपने वनवास को रोक सके क्या? जो होना है वो होके रहेगा, चाहे आप इंसान हो चाहे आप भगवान हो, आपके साथ जो होना है वो तय है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश, आपका कितना नाम होगा, आप कितने बदनाम होंगे, आपका यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। यदि किसी का यश हो रहा है तो ये भी ईश्वर की मर्जी है, और किसी का अपयश हो रहा है ये भी ईश्वर की मर्जी है। गुलाबी मैया सो गई, सोने दो जगाओ मत, मैया राम राम, सो गई मेरी माँ, हाँ सुन ही नहीं पाई बेचारी के भगवान के हाथ में क्या क्या है। अब ये मैया पर झगड़ा करेंगी क्योंकि जो सुनना था सुना ही नहीं। कितने चीजें भगवान के हाथ में हैं, कौन कौन सी? हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश, विधि हाथ ईश्वर के हाथ में। सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहा हूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हमारे हाथ में केवल कर्म है, क्या है हमारे हाथ? आपका अधिकार किस पर है? कर्म पर। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? कर्म करो अपना ईमानदारी से। कैसे करें? छल कपट त्याग कर ईमानदारी से वैष्ट सही कर्म करो, तब परिणाम भी सही होगा। अब आप गलत कर्म करोगे तो परिणाम गलत। इसलिए कल की ज्यादा चिंता, कल की प्लानिंग करो, कल की चिंताएं नहीं, आनंद से भगवान का चिंतन करो।